फर्स्ट टाइम एग मसाला, तो उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे आइए देखते हैं। तो मैंने लिया है 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पेस्ट, 2 टेबल स्पून ऑनियन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून कोरिएंडर काट के लिया है कोथमीर, 1 टीस्पून जो मैंने चिल्ली का पेस्ट का वीडियो जो आपको डाला था वो मैंने लिया है, एंड 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 तेज पत्ते को मैंने 2 टुकड़े करके लिए है, और 2 लौंग, 1/2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 4 काली मिरी, 1 टीस्पून सॉल्ट नमक, एंड 1 टेबलस्पून पनीर जो मैंने क्रश करके लिया है, और ये 2 बड़े टमाटो जो मैंने पीस के लिया है, एंड ये 2 बॉयल्ड एग जो मैंने उबाल के छील लिए, अभी इसको मैं फ्राई करूँगी ग्रेवी बनाने के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले गैस को ऑन करेंगे और उस पर पैन रख देंगे एंड इसको गरम करेंगे। गरम करने के बाद पैन जब गरम हो जाएगा तो उसमें हम लोग ऑयल डाल देंगे। ऑयल जाएगा 1, 2, 3, 4 टेबलस्पून। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि ढाबा स्टाइल है। अभी ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसमें एग फ्राई करके लेंगे और थोड़ा सा उसमें नमक डालेंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चुटकी भर नमक, चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर रेड चिल्ली पाउडर। और इसको फ्राई करके लेंगे। तो मैंने एग को फ्राई करके ले लिया, अभी आइए देखते हैं कैसे इसकी ग्रेवी बनाते हैं। 1 मीडियम साइज़ का ऑनियन मैंने कट कर लिया है, अभी इसको पहले तेल में डालेंगे और साथ ही में इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1/2 दालचीनी का टुकड़ा और 4 काली मिरी का टुकड़ा। इसी तरह से हाई फ्लेम पे भुनेंगे, हाई फ्लेम पे, और जिस तेल में मैंने एग को फ्राई किया था वही ऑयल में मैंने इसको ऑनियन को और इस खड़े मसाले को भून रही हूँ। इसको लाल होने तक भुनेंगे, रेड होने तक भुनेंगे इसको, अच्छी तरह से इसे भुनेंगे और इसमें जीरा भी डालेंगे, इसे भी चटकने तक, ब्राउन होने तक ऑनियन सब साथ में भूनेंगे, क्योंकि ढाबा स्टाइल डिश ऑलवेज हमेशा बहुत फ्राई करके उन लोग बनाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से लाल करना है। ये थोड़ा चुटकी भर साज जीरा मैंने लिया है, जो मैंने आपको बताया नहीं था, क्योंकि साज जीरा से डिश में बेहतरीन टेस्ट आता है, जो अक्सर ढाबा वाले लोग यूज़ करते हैं साज जीरा चुटकी भर। अभी ये भून चुका है, अभी इसमें डालेंगे जो ऑनियन का पेस्ट है वो डालेंगे, फिर इसमें डालेंगे रेड चिल्ली का पेस्ट, इसे अच्छी तरह से भूनेंगे, फ्लेम थोड़ा मीडियम रखेंगे इस समय। इसके अंदर डालेंगे टमाटो प्यूरी, फ्लेम को हाई करेंगे और इसको अच्छी तरह से तेल छूटने तक भून लेंगे, और इसमें डालेंगे ये सारे मसाले, फ्लेम को स्लो करेंगे और इसमें जाएगा 1 पानी।
एक टेबलस्पून भर के पानी डाल देंगे ताकि मसाला जले ना, और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। और ये मसाले में लगा है जो स्पून में, उसे भी अच्छी तरह से निकाल देंगे। इसमें एक टेबलस्पून और ऑयल डाल दूँगी। इसमें लगभग 6 टेबलस्पून ऑयल लगा है। अभी ये बहुत अच्छी तरह से इसे भूनना है। टमाटो का कच्चापन पूरा निकलना चाहिए। 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी इसके साथ भूनेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये अच्छी तरह से इसके साथ भून लेंगे। मसाले में तेल छूटने तक इसे भूनना है, साइड से तेल छूटने तक इसमें भूनना है। मसालों की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है भूनते समय। डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 मीडियम को रखेंगे आँच। अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाले को काफ़ी टाइम भूनना होता है ढाबा स्टाइल डिश में। जैसे मैंने नमक जो यूज़ किया है वो स्वाद अनुसार किया है। आपको भी अगर ज़्यादा कम खाते हैं आपके घर में, वो अकॉर्डिंग टू दैट आप यूज़ कर सकते हैं नमक। और मिर्ची भी आपको अगर ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर लेना। हमारे घर पर ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो मैंने रेड चिल्ली कम यूज़ किया है। ऐसे मैंने मसाले को भून लिया। अभी देखिए साइड साइड में इसका ऑयल निकलने लगा है। तो अभी इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें 1 कप भर के पानी, और आँच को मैंने तेज़ रखा है, फास्ट रखा है इस समय। कितना पतला चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट। ये एक्चुअली एग मसाला है तो इसमें कम पानी डालते हैं। अगर आपको थोड़ा और लिक्विडी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा और पानी डाल सकते हैं। जैसा मैंने इसमें अभी 1.5 कप पानी यूज़ किया है, और देखो ये ऐसे हुआ है। अभी इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए अंडे, और इसमें जाएगा वो पनीर। अभी इसको आँच को थोड़ा लो करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें डालेंगे कोरिएंडर के हरे धनिया काट कर, और ये हमारी डिश ढाबा स्टाइल डिश हो गई बनकर तैयार। और आप इसको रोटी में खाइए, चावल में खाइए, रोटी में खाइए, चावल में खाइए, किस में भी खाइए। और कैसे लगा कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।